Well, next up, we are discussing the Mahadev app scam case. The latest development in the Mahadev app scam investigation has now triggered a political storm in the state of Chhattisgarh, which is heading to polls in a matter of 2 days. The Prime Minister Narendra Modi today targeted Chief Minister Bhupesh Baghel over the Mahadev app scam and said that the Congress did not even spare Mahadev and the government is leaving no opportunity to loot the people of Chhattisgarh. PM even asked Chhattisgarh's Chief Minister Bhupesh Baghel, what is his connection with the Dubai people? Now, Chhattisgarh's chief minister has refuted all the allegations against him and asked, why was the Mahadev app not shut down by the center in the first place? He further asked and added that BJP was trying to influence the upcoming Chhattisgarh elections with the help of agencies like ED and CBI. Chhattisgarh ki Congress sarkar आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री के किसी आदमी से मारपीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी पकड़ लूँ और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए तो क्या प्रधानमंत्री पूछताछ करेंगे? सत्ता में रहकर सट्टा का खेल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5,30,00,000 से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को यह आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भुखलाई हुई है, घबराहट में है, अत्यंत परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस को ही देने वाली। सट्टे के रास्ते सत्ता में पहुंचना, ये कैसा जीत के लिए कांग्रेस का प्रयास है? छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, घोटाले के बाद घोटाला बाहर आया, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों तक को उसमें गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछताछ हुई, हजारों करोड़ रुपया लूट के माध्यम से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कमाया। एक तरह से कहा जाता था कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है। सत्ता में आने के लिए विदेशी ताकतों का हाथ भी और विदेशी पैसा भी महादेव ऐप वालों के थ्रू पहुंचाया गया। महादेव का नाम भी यहां पर खराब किया। देखिए, इनकी आदत यह है कि आरोप लगाएं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। हमने इतने आरोप से देखे हैं कि किसी का कन्विक्शन अब तक देखा है क्या?
मैं बोलूंगा कि मैं जो बघेल साहब को जानता हूं वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो दिखा दो, अदालत पे दिखा दो, सीरियस इन्वेस्टिगेशन करो, हमने नहीं। लेकिन जो भाजपा लीडर्स और उनके दोस्तों के खिलाफ जितने भी आरोप है उसके ऊपर क्या 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 जांच चले हैं अब तक? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चला रहे हैं तो सबको इन्वेस्टिगेट कीजिए जहां भी आरोप आए। ये सब ये क्या बात है कि आरोप सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ है, उनके नेताओं के खिलाफ, सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ, ये ठीक नहीं है।